दोस्तों, क्या आपने आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड स्मार्टफोन रूट करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आप मुझे 7-8 साल पहले पूछते थे तो आंसर वॉज वेरी वेरी सिंपल। जी हां, अगर आप कर सकते हो, आप एडवेंचरस हो तो करो। अभी 2021 में ये जो आंसर है दोस्तों, इट इज नॉट दैट सिंपल। जी हां, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अभी ऐसी सिचुएशन है, सभी आप स्मार्टफोन्स के पास देखोगे, उनके ओएस एंड यूआई के पास देखोगे, तो अभी तो मैं कहूंगा 99% लोगों को रूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले दोस्तों, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं कि आप एक स्मार्टफोन रूट क्यों करते हो। व्हाई विल समवन रूट हिज स्मार्टफोन? कि भाई क्या मिलता है आपको एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन रूट करने से? क्विकली, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, रूट मतलब क्या, रूट करना फोन को, इसका मतलब क्या? जैसे विंडोज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिन होता है, वैसे ही एक रूट यूजर होता है जिसको फुल अथॉरिटी होती है कुछ भी करने की आपके स्मार्टफोन के ऊपर। जब आप फोन को रूट करते हो, इसका मतलब बहुत सारे जो प्रिविलेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं, और अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हो। सो सिंपल लैंग्वेज में बताया कि रूट इज बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फोन और द डिवाइस और द सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मैंने भी 2012-2013 में मल्टीपल फोन्स रूट किए हुए हैं। उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ करती थी कि बहुत सारे जो फीचर्स आजकल के यूआई में आ गए, कस्टमाइजेशन फीचर्स, फॉर एग्जांपल थीम्स वगैरह, फॉन्ट्स चेंज करने, ये सब चीजें आप रूट करने के बाद ही कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम दोस्तों फोन्स ऐसे हुआ करते थे जहां पे ज्यादा फीचर्स वगैरह नहीं थे, एंड बहुत सारे ब्लोटवेयर्स भी हुआ करते थे। तो आपको अगर ब्लोटवेयर्स निकालने थे, यू कुड नॉट डू इट बिकॉज यू आर नॉट अ रूट यूजर। उसके लिए रूट करना जरूरी था। एंड वन मोर रीजन, क्योंकि उस टाइम जो हार्डवेयर था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। आजकल आप देखोगे हर स्मार्टफोन 15,000 के नीचे वाला स्मार्टफोन भी सभी फीचर्स आते हैं, उनके जो यूआई होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स आते हैं, इनफैक्ट नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉइड से भी बहुत ज्यादा, एंड सेकंड बहुत पावरफुल भी होते हैं। जी हाँ, प्रोसेसर देखिए आजकल के, स्पेशली आपको 7 सीरीज के प्रोसेसर 15,000 के नीचे मिलने लग गए। What else do you want? Why do you need to root? और एक बहुत मेन रीजन हुआ करता था जहां पे जो स्मार्टफोन यूजर्स थे अट्रैक्ट होते थे रूट करने के लिए, थीमिंग इंजन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल आप लीनियज ओएस लीजिए, साइनोजन मॉड लीजिए, ये कस्टम रॉम्स हैं जो रूट करने के बाद ही आप इंस्टॉल कर पाते थे, इसमें थीमिंग इंजिन हुआ करता था, वेर इज नॉर्मल जो एंड्रॉइड फोन आते थे उसके अंदर नहीं हुआ करता था। सो अभी ऐसे हो गए हैं कि ये जो थीम्स वगैरह हैं ये सब सभी यूआईज में आ गए। इनफैक्ट अभी तो एंड्रॉइड 12 जो आने वाला है, स्टॉक एंड्रॉइड में ही आप बहुत सारे थीम चेंजेस कर पाओगे, कस्टमाइजेशंस कर पाओगे, क्या जरूरत है फिर रूट करने की? दोस्तों याद रखिए, रूट के बारे में भी बता रहा हूं तो एक चीज बता दूं, बहुत बार रूट करते हुए फोन जो है वो ब्रिक हो जाता था। मेरा खुद का हुआ है, आई हैव लॉस्ट अ न्यू फोन। सैमसंग का कोई फोन था 2011 या 12 में, XDA डेवलपर से सब डाउनलोड करके मैं ट्राई कर रहा था, एंड लिटरली ब्रिक हो गया, कुछ नहीं कर पाया, लिटरली फेंक देना पड़ा। सो देर आर लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व इन रूटिंग अ फोन। और हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम 6-8 महीने फोन इस्तेमाल करते हैं और बोर हो जाते हैं जो आपका स्किन वगैरह, यूआई वगैरह है। फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हो ऑक्सीजन ओएस और आपको MIUI या फिर रियलमी UI या फिर कलर ओएस चाहिए, तो थोड़ा चेंज के लिए आप रूट करते थे। लेकिन आजकल के जो अगर आप UIs देखोगे सभी बहुत सिमिलर हो गए, उतना ही नहीं फीचर्स के मामले में भी बहुत ज्यादा फीचर्स आ गए, और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस की वजह से हमेशा आप आपके फोन का जो लुक है वो ट्वीक कर पाओगे, इसीलिए जरूरत नहीं है रूट की। वैसे दोस्तों ऐसे भी वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए बहुत सारे, तो अगर इसका कुछ फायदा होता है आपको, और भी वीडियोस आने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फाइनली दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है रूट सिर्फ कूलनेस फैक्टर के लिए होता है। बहुत लोग अपना फोन अभी आजकल के जमाने में रूट करते हैं क्योंकि दे वॉन्ट टू लुक कूल। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये जो रूटिंग बिजनेस है इट कम्स एट अ बिग कॉस्ट। आपके फोन की वारंटी वॉइड हो जाती है इफ यू रूट द फोन। जी हाँ, एक या दो ही ब्रांड है जो अलाउ करते हैं, वरना कोई भी नहीं अलाउ करता है, इसीलिए डोंट गो दैट रूट। और फाइनली दोस्तों बोल दूं, रूट करने के बाद बहुत बार ऐसे होता है कि बैकडोर्स खुल जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही रूट यूजर हो तो देयर माइट बी सम बैकडोर्स दैट विल गेट ओपन। और याद रखिए, रूट यूजर को अपडेट्स भी नहीं मिलते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट, जो OT अपडेट्स आते हैं, वो भी आप नहीं कर पाओगे। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ रूट। इसीलिए मैं कहूंगा 2021 में एटलीस्ट
डू नॉट गो द रूट वे। हाँ, एट द सेम टाइम दोस्तों, आपका जो प्राइमरी ड्राइवर है वो है आपके पास, और आपके पास एक सेकेंडरी ड्राइवर है, या फिर सेकेंड ड्राइवर नहीं, सेकेंडरी स्मार्टफोन है जिसको आपको रूट करना है। यस, इन दैट केस आई विल से आप कीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड की बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, आपको पता चलेगा हाउ फन एंड्रॉयड इज, इतने सारे फीचर्स है, एक्सपेरिमेंट्स भी कर पाओगे और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज भी मिल जाएगा रूट करने की वजह से। बट याद रखिए कि भाई वो ब्रिक हो सकता है फोन, और इसीलिए मैंने कहा सेकेंडरी फोन है आपके पास, दूसरा एक्स्ट्रा फोन है तो उसके ऊपर कीजिए, आपके प्राइमरी ड्राइवर के ऊपर नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।